This public service message is brought to you by GFS Builders and Developers. ये ले मेरा बेटा, फटाफट दूध पीजिए। नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे फटाफट खत्म कीजिए। नहीं मम्मा। खत्म होना चाहिए, समझे आप? आ रही हूँ मैं, पियो फौरन। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी भी गई? अबे लग तो ऐसे ही रहा है। चलें एक काम करें, जैसे कोई पहन गया आपकी, आप भी किसी की पहन लीजिए। यार अतर मियां, मैं अब इतना जरूरतमंद भी नहीं हूँ कि मस्जिद में चोरी करूँ। अच्छा फिर एक काम करें, मेरी चप्पल पहन लीजिए। अरे भाई मैं तुम्हारी चप्पल क्यों पहन लूं? भाई मस्जिद से चोरी मेरी हुई है चप्पल, अबे तुम्हें सजा क्यों दूं इस बात की? चलो चलते हैं यार, चलते हैं। अल्लाह करीम, चले आइए। चलिए भाई चलिए। ये सारा दूध आपने खुद पिया? जी। पक्का? चलो आओ चेक करते। सॉरी मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला। पेट पॉट में बिल्ली के लिए रख दिया ना, है ना? जी। कितनी गलत बात है ना, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझसे झूठ बोल दिया। आपको क्या लगता था कि मम्मा को पता नहीं चलेगा? अगर मम्मा को पता नहीं चलेगा तो मेरी जान, अल्लाह ताला देख रहा है आप। मम्मा, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देखते हैं। बेशक अल्लाह ताला हमसे हर वक्त बाखबर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मैं तुम सबको हर वक्त देख रहा हूँ, इसलिए आज के बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे। ओके। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा बच्चा। क्या हुआ? भाई आ गए। आज भाई जल्दी आ गए? पूरे कॉलेज में बगैर स्कार्फ के घूमती रहती हो। भाई के सामने आते ही तुम्हारे स्कार्फ के नाटक शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ना ड्रैगन की तरह होते हैं, जब मुंह खोलते हैं ना मुंह से जहर ही उगलते हैं। और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। चलो लेट हो रहा है मुझे। चलें भाई। आनिया को भी छोड़ दें उसके घर? नहीं भाई, उसका महीनों का ऑटो हुआ है, वो उसी में जाती है। कोई लड़ाई हो गई है? चलें भाई। चलो। मम्मा ये लीजिए ना। मां जज़ाकअल्लाह खैर बेटा। मम्मा आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। मम्मा हमारे घर पे ऑलरेडी इतना सारा नमक है, फिर आप बराबर वाली आंटी से नमक क्यों मंगवाती हैं? बहुत समझदार हो चुके हो। अच्छा फर्ज कीजिए कि आपका शार्पनर खराब हो चुका है और आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी है, तो आप शार्पनर किससे मांगेंगे? मैं अपने दोस्त अरम से मांगूंगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरी मदद करते हैं, मैं भी उसकी मदद करता हूँ। बिल्कुल सारी बात यही है,
जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो उससे हम हेल्प मांगते हैं और हेल्प करने से मोहब्बत बढ़ती है। मम्मा, जिस चीज की हमें नीडी नहीं तो वही चीज हमें कोई दूसरा देके हेल्प कैसे कर सकता है? तो बेटा, जिसने हमें चीज दी है उसको ये तो नहीं पता ना कि हमारे घर वो चीज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन देने वाले को तो यही लगेगा ना कि उसने हमारी हेल्प की है। और जब उसे ऐसा लगेगा तो उसमें हिम्मत पैदा होगी कि वो हमसे हेल्प मांग सके। अच्छा, जब भी वो आंटी अक्सर हमसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है, कभी आलू, कभी मिर्चे, कभी टमाटर। अरे ऐसे नहीं कहते बेटा, पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं। सॉरी मम्मा, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। इट्स ओके, जाओ अपना होमवर्क करो। ओके मम्मा। अमीर भाई। जी यार, अगले महीने इंशाल्लाह मैं फिर बाप बन जाऊंगा। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात को साथ खैर के हल फरमाए। यार अमीन भाई, अब जो औलाद होगी ना मेरी, मैं चाहता हूँ छोटे भाई को दूँ। वो 8 साल से बेचारा औलाद से महरूम है। कुरान मजीद में सूरा अल शूरा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि वो जिसे चाहे बेटियाँ अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे दे, या जिसे चाहे दोनों दे, भाई जिसे चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म कुदरत वाला है। बेशक, सही बात। देखो अतर यार, इंसान अगर कोशिश करे तो सब कुछ बन सकता है, लेकिन खुदा नहीं बन सकता। और तुम भी कोई ऐसी कोशिश मत करना भाई, ये उसके काम है, उसे करने दो। लेकिन अमीन भाई, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है भाई? देखो, 2 खजूर खाने से 1 रोटी की ताकत मिलती है, लेकिन पेट 1 रोटी से ही भरता है, 2 खजूर से नहीं भरता। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि अपनी औलाद अपनी ही होती है। सही कह रहे हैं। और भाई दुआ करो कि परवरदिगार तुम्हारे भाई को औलाद से नवाज दे। आमीन। बेटा एक बात कहूँ? जी जी भाई बोले। जिस रोज कॉलेज की लड़कियों को इस बात के खौफ से ज्यादा कि घर वाले कहीं उन्हें बगैर इसका आपके देख ना लें, इस बात का खौफ हो जाए कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, तो ये तमाम लड़कियां स्कार्फ पहनना शुरू कर दें। जी भाई सॉरी, आइंदा नहीं होगा। इट्स ओके। भाई आप क्यों रुक गए? सब तो सिग्नल तोड़ रहे हैं और ना ही कोई पुलिस वाला देख रहा है। बेटा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर वक्त हमको देखता रहता है। जी भाई। खुल गया सिग्नल, इतनी सी तो बात थी। अब्बा जान, मैंने आपसे कहा था मस्जिद जाने के लिए कोई दूसरी चप्पल रखें, अब कितने शौक से खरीदी थी वो चप्पल आपने। बेटा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बेटा अब क्या ये वक्त आ गया है कि मस्जिद जैसी जगह पे जाने के लिए हम पुरानी चीज़ें लेके जाएं? यानी हमें ये डर है कि हमारी चप्पलें चोरी हो जाएंगी तो हम पुरानी चप्पलें पहन के जाएं। बेटा वहाँ पे हम रिटायर और बूढ़े लोग होते हैं वहाँ ज़्यादातर सब में, और जो चंदे का बक्स है ना, वहाँ भी आप जाके देखो तो पुराने और घिसे पिटे नोट वहाँ डाले जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये और जगह तो चलेंगे नहीं, तो ये एक वाहिद जगह है कि जहाँ ये नोट चल जाएंगे। ये हाल हो गया हमारा। अब क्या कहें बाबा, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, लेकिन ऊँट को खूंटे के साथ बांधना भी तो जरूरी है। दादो, चप्पल चोरी करने वाले को अल्लाह देखता है क्या? बिल्कुल देखता है बेटा, अल्लाह हर एक पे नजर रखता है, अल्लाह सबको देखता है, कोई उसकी नजर से नहीं बच सकता। बाबा ये कैसे लोग हैं जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ने आते हैं और चोरी भी करते हैं? बेटा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नमाज बहुत सी बुराइयों से, बेहयाई से रोकती है, और उसने बार बार नमाज की ताकीद कही है, लेकिन उसमें नमाज कायम करने के लिए कहा गया है। अगर आप नमाज कायम करोगे तो उसकी तमाम जो बुराइयाँ और जो बेहयाई चीज़ें हैं उनमें आप नहीं जाओगे। और सवाल ये है कि कैसे?
कलाम पाक ने परवरदिगार ने कई मकामात पर इस बात की ताकीद की है नमाज को कायम करने, लेकिन नमाज को कायम करने का कहा है, उसे सिर्फ पढ़ने का नहीं कहा है। बाबा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछूं। ये नमाज पढ़ने में और कायम करने में क्या फर्क है? बेटा ये इसी तरह से है कि जैसे आपने कुरान मजीद की तिलावत की तो उस तिलावत का सवाब आपको ज़रूर मिलेगा और उसके जो फवाइद हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुरान मजीद को बतर्जुमा पढ़ेंगे तो उससे आपके इल्म में इजाफा होगा, आपको वो ख़जाने मिलेंगे जो परवरदिगार ने उस अजीम किताब में रखे हैं। तो ये फ़र्क है कायम करना और पढ़ना, इसी अंदाज से है। मम्मा खाना बहुत टेस्टी बना है। अच्छा पेट भर कर खाओ। बेटा खाना टेस्टी कैसे बनता है बताए आपको? कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाए और उसका जो कम्बिनेशन है उसको देखा जाए, इस तरह बनता है खाना टेस्टी। और नमाज के लिए भी यही है, नमाज भी अपना काम उस वक्त करती है कि उसे बजाय पढ़ने के उसे वक्त दिया जाए, उसे कायम किया जाए। कैसे? वो बेटा इस तरह से है कि हम जब हर नमाज को इस अंदाज से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है और उसके सामने हमारी इबादत है, तो अगर हम इस प्रैक्टिस को अपना लेंगे कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हमारी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाएगी और ये हमारे जहनों में पक्का हो जाएगा कि अल्लाह हर चीज़ पे नज़र रखता है, तो हम इन तमाम बुराइयों से खुद ब खुद दूर होते जाएंगे और तभी हमारी ये जो इबादत है ये मोमिन की मेराज कहलाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा आप। जब इंसान गुनाह कर रहा होता है तो पल भर के लिए ही सही उसके जहन में ये ज़रूर आता है शायद खुदा उसे ना देख रहा हो, अगर उसके दिलो दिमाग में हमेशा ये रहे कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है तो शायद इंसान गुनाह करे ही नहीं। जी जनाब, अगर हम सुबह से शाम तक इसी बात को अपने जहन में दोहराएंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो ये चीज़ हमारे जहन में पुख्ता हो जाएगी और हमारे जहन से नहीं जाएगी तो हमारा हर अमल बेहतर से बेहतर हो जाएगा। अयनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तर्जुमा है कंजुल ईमान, और वो तुम्हारे साथ है, तुम कहीं हो और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है।